Hello, here we start. Order and degree of differential equation. So, it is there for degree as well as for diploma too. So, order of differential equation is what? First of all, we will have to find, we have to eradicate or eliminate radical or fractions from the powers. Okay, so, sab mein pehle hame square root, cube root, या पावर में के फ्रैक्शन टर्म्स पावर में 5 बाय 4 3 बाय 2 इनको रिमूव करना होगा. उसके बाद में सब में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये हमें चेक करना होगा. फॉर एग्जांपल dy बाय dx का ये है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, बट ये d2y बाय dx2 अगर है तो इसका ऑर्डर होता है 2. तो नेचुरली दोनों में हाईएस्ट डेरिवेटिव d2y बाय dx2 है. ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव का ऑर्डर ज्यादा होगा, तो डबल डेरिवेटिव वहां पर बन जाएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव. वैसे उसके बाद में हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर में जो नंबर आएगा उसको बोला जाएगा डिग्री. तो सब में पहले याद रहे ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने बेसिक तो लिख दिया है. अब यहां पे पावर में 3 बाय 2 यानी फ्रैक्शन हुआ. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया वो लिख दिया मैंने, डिवीजन का टर्म प्रोडक्ट में गया y into d square y by dx square 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर का पावर 3 by 2. अब पावर में का जो फ्रैक्शन है उसमें से दो हटाना है हमें, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. सो y square into d square y by dx square is equal to 1 plus dy by dx का स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2. 3 by 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर गेट्स कैंसल. तो यहां पर हम लिखेंगे y स्क्वायर इनटू d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का स्क्वायर आ गया यहां पे डबल डेरिवेटिव का इज इक्वल टू 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3. अब यहां पर ये डबल डेरिवेटिव है, ये सिंगल डेरिवेटिव है, तो सब में पहले हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढना है. तो यहां पे बस इतना ही लिखेंगे हम, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y / dx2. हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y / dx2. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is equal to order of highest derivative in differential equation. So order of differential equation is equal to order of highest derivative in differential equation. So highest derivative का order 2 है, तो यहां पर differential equation का order भी 2 होगा. okay. उसके बाद में यहां पर 2 था ना, हाँ, ये डबल डेरिवेटिव उसके पावर में इंडेक्स या पावर, द इंडेक्स दैट इज पावर ऑफ d स्क्वायर y / dx स्क्वायर इज 2. देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. हेंस given differential equation is of order 2 and degree 2. Order 2 and degree 2. The next question we can proceed for is, ये लेते हैं, find the order and degree of cube root of d square y by dx square is equal to root of dy by dx. okay, अच्छा question है ये भी. तो square root cube root दोनों भी ये हैं radical terms, radical signs. cube root यानी power में 1 by 3, स्क्वायर रूट यानी पावर में 1 बाय 2. एलसीएम ऑफ
1 by 3 and 1 by 2 is 1 by 3 into 1 by 2 is equal to 1 by 6. तो 1 by 6 मतलब हमें 6 power लेना पड़ेगा. Taking 6 power on both sides. Taking 6 powers on both sides. So ये होगा d square y by dx square k power में 1 by 3 k power में 6. dy by dx का पावर 1 by 2 का पावर 6 व्यतिरिक्त सह तीन दोनों सह. तो यहां पर सिमिलरली वी कैन मैनेज. तो ये होगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx का क्यूब highest derivative in differential equation is again d square y by dx square. लगभग पिछले problem जैसा आएगा. सिर्फ यहां order of differential equation is equal to order of highest derivative. Therefore order of differential equation is equal to 2. अब उसका इंडेक्स, द इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब इंडेक्स ये हाईएस्ट डेरिवेटिव ये होगा ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव और उसी का इंडेक्स ये होगा दो. तो ऑर्डर डबल डेरिवेटिव यानी ऑर्डर 2 और इंडेक्स यानी 2 इज 2. देयरफॉर degree of differential equation is 2. Therefore given differential equation is of order 2 and degree 2. Very simple. Thank you.